वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब सुबह उठकर फैसला करना पड़ेगा कि आज नहाना है या नहीं नहाना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनकी कॉमेडी वीडियोस हो जाती हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, और ये सोशल मीडिया पर कॉमेडी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। इनका बॉलीवुड भी दीवाना है। क्या आप जानते हैं सबको हंसाने वाली बरसा की कहानी बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। अक्सर आपने देखा होगा सबको हंसाने वाले लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं बरसा सोलंकी की लाइफ स्टोरी से लेके सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी, और साथ ही आपको बताएंगे इनके पति ने इन्हें धोखा क्यों दिया और क्यों हुआ इन दोनों का तलाक। अगर आप बरसा सोलंकी को फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा वो अपने पति के साथ वीडियोस नहीं बनाती हैं और ना ही उनका जिक्र करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ क्या हुआ था इन दोनों के बीच। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वो रिश्ता जब टूटा ना, मैं भी टूट गया था। सब समझा रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले बात कर लेते हैं बरसा के बारे में। बरसा एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। बरसा का फुल नेम बरसा कवाले है। 17 जनवरी 1985 को मुंबई महाराष्ट्र में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ जो सोशल मीडिया पर बरसा सोलंकी के नाम से फेमस है। बरसा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ दूसरों के घर पे बर्तन धुलती थी और उनके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और उनकी माँ को मारते थे, और इसके बाद उनके पापा इस दुनिया से चले गए। वर्षा की फैमिली में उनकी मम्मी के अलावा एक छोटी बहन है। वर्षा की स्टडी की बात करें तो वर्षा ने 12th तक की पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की है, और इसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके ऊपर अपनी मम्मी और छोटी बहन की जिम्मेदारियां थीं। और इसके बाद वर्षा ने एक जॉब ज्वाइन की जिससे कि वो अपनी मम्मी की मदद कर सकें और अपनी छोटी बहन की शादी कर दी। और इसके बाद वर्षा की मम्मी ने वर्षा की भी शादी कर दी, और कुछ साल बाद वर्षा की एक बेटी हो गई। आपने वर्षा की बेटी तो देखी होगी जो वर्षा के साथ नजर आती रहती है। वर्षा के पति का नाम प्रवीण सोलंकी है। पीते हो? मंगा लीजिए। अब बात कर लेते हैं बरसा के करियर के बारे में। शादी के बाद भी बरसा की फैमिली में प्रॉब्लम्स बनी रहती थीं क्योंकि उनके पति की इतनी अच्छी इनकम नहीं थी। तो बरसा ने सोचा कि वो अपने पति की मदद करने के लिए एक जॉब स्टार्ट कर देती हैं। तभी उनके चाचा के लड़के ने उन्हें टिकटॉक के बारे में बताया। तब बरसा को इन चीज़ों में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद बरसा ने कुछ वीडियोस बनाई लेकिन उनकी वीडियोस पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया। और एक दिन बरसा ने अपनी बेटी के साथ एक कॉमेडी वीडियो बनाई जो रातों रात तेजी से वायरल हो गई। और इसके बाद वर्षा ने कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वर्षा की मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो गई। हर कोई वर्षा को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने लगा। बॉलीवुड की देसी गर्ल भी वर्षा को फॉलो करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं वर्षा अपने पति से अलग क्यों रहती हैं और क्या है इनकी असली कहानी। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। टिकटॉक बैन होने के बाद वर्षा ने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया और इस पे वीडियोस बनाने लगी। पर वर्षा के पति को उनका वीडियोस बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए वर्षा को वो मारते पीटते और घर में लड़ाइयां होती थी। था ये सब मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल नहीं पसंद था, उसके लिए फिर मैंने घर छोड़ दिया था। हाँ, तो एक दिन के लिए छोड़ा था, तो बोले थे नहीं नहीं मुझे तू वीडियो ही नहीं मत बना। लेकिन मैं सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं करती थी। वीडियो बनाती रही, फिर वो घर में बहुत झगड़े होते थे, मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं कभी भी वीडियो बनाती थी क्योंकि मुझे। और बरसा इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और इसके बाद बरसा ने डिसाइड किया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहेंगी और अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर और कहीं रहने लगी। और अब बरसा और उनके पति का तलाक भी हो चुका है। जब बरसा को सक्सेस हासिल हुई तो उनके पति को उनसे दिक्कत होने लगी। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। परेशानी उसकी थी और अकेला मैं रह गया।
तो अब बात कर लेते हैं वर्षा की सोशल मीडिया पर फेम के बारे में। इनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन और यूट्यूब पर 6.97 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वर्षा अपनी कमाल की एक्टिंग और एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं और वर्षा की सोशल मीडिया पर वीडियोस तेजी से वायरल हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं वर्षा की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। इन्हें ट्रैवलिंग करना, वीडियोस बनाना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वर्षा जॉनी लीवर की बहुत बड़ी फैन है। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हैं। वर्षा ने बचपन से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाकर इन्हें ये सक्सेस हासिल हुई है। वर्षा कॉमेडी के साथ साथ कमाल का डांस भी करती हैं। आपने इनकी वीडियोस में देखा ही होगा। वर्षा की फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच, बॉडी वेट 60 अप्रोक्स है। आई और हेयर कलर ब्लैक है। दोस्तों, आपको वर्षा कैसी लगती हैं और आप वर्षा को कितना सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वर्षा सोलंकी आपको कितनी पसंद है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मेरा शेर मेरी मर्जी।